संबलपुर में है सोनापाली। कल कुछ महिलाएं जो हमारे माँ बहन एसपी ऑफिस गई थी और उन्होंने कई प्रकार की बातें बताएगी कि ज़मीन हमारी, हम कई दिन से रहते हैं, कुछ लोग आके इसको इंक्रोचमेंट कर रहे हैं कहते हैं हमारे। जब हमने पता चला कि एक्चुअल में ज़मीन जो है रहती प्लट है और खरीदा हुआ प्लट है, तो आज हम उनसे मिले भी। आइए उनसे मिले, क्या सच्चाई है क्या झूठ है आज उनसे पता करेंगे, तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा क्या सच्चाई है। हाँ सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मैं मोहम्मद काशिफ रजा। जी सर, जो सर कल जो कुछ महिला माँ बहन गई थी एसपी ऑफिस में, वो कह रहती थी कि ये ज़मीन हमारी है, सरकारी है, ये कोई रहती नहीं है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, उसके बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास में ये दस्तावेज़ हैं, आप देख सकते हैं, ये पट्टा मैं दिखाना चाहूँगा आपको। 29 डिसमिल का प्लॉट जो है, हम लोग चार आदमी के नाम पर रजिस्ट्री है, ये मेरी वाइफ के नाम पर ही है। सिर्फ पट्टा ही नहीं बल्कि आप ये सेल डीड देख सकते हैं। तो उन लोगों को ऐसा गुमान हो रहा है कि सब तरफ में नजूल है, तो बीच में रहती कहाँ से आ गया, तो ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो रहती है। तो वो मतलब के बदगुमानी के शिकार हुए हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो बड़ी तादाद में वहाँ पर जो भी पहुँची, इसके बारे में भी जहन में सवाल उभरता होगा कि पूरा गांव का ताल्लुक है, तो कोई गांव का ताल्लुक नहीं है इसमें। महज तीन घर जो है हमारी ज़मीन पर आ रहे हैं, तो जिसके लिए ना उसने कुछ उफ तक के कहा गया है, ना कुछ बोला गया है। और सभी अच्छे लोग हैं, उन्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। गांव में जो लोग मौजूद हैं, तो ऐसी बात नहीं कि वो बदमिजाज हैं, बस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब किसी साजिश के शिकार हो रहा है। पर ये बताए, जहाँ पर लैंड की बात है, ये मामला सिविल है, इसमें हिंदू और मुसलमान वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, हिंदू मुसलमान का तो बात ही नहीं आ रहा है। घर अभी हम भी वहाँ नहीं, कल जब मैंने एक न्यूज़ देखा, न्यूज़ में उन लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए, खैर अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जानता हूँ कि हमारे संबलपुर के जो कानूनी मामलात हैं, उस पर जो है बहुत सख्त मतलब कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को कुछ बोल दिया जाए, वेरीफिकेशन भी कोई चीज़ होती है। इंक्वायरी की गई, मैडम बताते खुद भी वहाँ पर गई, और हमने तमाम दस्तावेज़ भी जो है वहाँ पर जमा किया थाना में, और प्लस में दोनों फरीक उनको भी बुलाया गया, और कल जो है कि मतलब के तहरीरी तौर पर मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ दोनों फरीक के बीच में कि डिमार्केशन फिर से फाइल किया जाएगा। और धनुपाली थाना की मौजूदगी में ऐसी के नेतृत्व में जो है वो एक डिमार्केशन होगा, और उसमें नतीजा सामने आ जाएगा। और उन लोगों ने भी ये अहद किया है कि अगर नहीं आपका निकलेगा तो हम छोड़ देंगे। हम भी ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि अगर ऐसी बात हुई तो हम बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, अगर हमारा नहीं हुआ तो। चलिए सर, अभी हमने सुना, ये कहते हैं जो न्याय है न्याय, जो सच्चाई है सच्चाई है, सरकार जो भी नाप के देगी हमारे पट्टा के मुताबिक तो हम लेंगे। और हम किसी के जमीन पर अधिकार हमारा कोई मतलब नहीं, टोटल कितना जमीन है बिल्कुल नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम उनके बारे में बेहतर सोचेंगे कि हमारे लिए क्या हो सकता है। जो मतलब के जितनी बातें उन लोगों ने वहाँ जा कर के की, वो सहूलत के साथ हमसे भी करते, तो हम यही हम डिमार्केशन के लिए पहले भी मिजाज रखते थे। अरे एक मरतबा हुआ, हो सकता है भूल चूक दूसरी मरतबा भी होती, हम तीसरी मरतबा कर, दो मरतबा ऑलरेडी हम लोग गवर्नमेंट डिमार्केशन एक मरतबा 2019 में धनुपाली थाना की मौजूदगी में भी किए हैं, लेकिन उस वक्त में हमने बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं दिया। अब बाउंड्री के वक्त में वृद्धि है, तो इस वक्त में हम धनुपाली पुलिस को नहीं ले सके साथ में, लिहाजा क्या ये होता है कि तीन मरतबा हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन आपको तो काम चालू हो गया, बाउंड्री वाउंड्री दे रहे हैं सर जी। अगर वो ज़मीनें हमारी नहीं निकली तो हम बगैर चू चरा के पूरी बाउंड्री को तोड़ लेंगे, हम वहाँ नहीं रहे, हम को नाजायज और हराम का मिजाज नहीं रखते हैं, हम जो भी होगा जायज निवाला खाने का मिजाज रखते हैं। आप तो वाकिफ हैं, आप तो जमाना जग जाहिर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने सुनी, ये कहते हैं जो न्याय है हम उसको मानेंगे, क्यों न्याय तो सबके लिए बराबर होता है, हमारी ज़मीन हमको दे दो, उनकी ज़मीन उनको दे दो, हम सिर्फ अपना हक मांगते हैं, दूसरे का हक हमको लेने कोई दरकार नहीं। आपकी आवाज़ संबलपुर।